हेलो एंड वेलकम टू आरजे पायल्स किचन। यहाँ चल रही है हमारी पराठा सीरीज, जहाँ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ 30 अलग अलग वैरायटी के पराठों की रेसिपी। और आज मैं आपके लिए एकदम यूनिक पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बनेगा बची हुई रोटियों से। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटा बनता है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका नाम है सेयल फुल्का और इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे चटनी। चटनी बनाने के लिए ब्लेंडिंग जार में मैं डाल रही हूँ 2 से 3 मुट्ठी धनिया की पत्तियाँ। धनिया इसमें थोड़ा ज़्यादा डलता है। धनिया के साथ ही मैं डाल रही हूँ 3 हरी मिर्चें, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, लहसुन भी इसमें ज़्यादा पड़ता है। साथ ही मैं 2 टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर को मैंने रफली चॉप किया है। अब इसे मैं अच्छे से बंद कर दूंगी और उसके बाद हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर देंगे और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट तैयार हो गया है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए, अब इस पेस्ट को हम साइड में रख देंगे। यहाँ मैंने पैन लिया है, इसमें मैं 3 चम्मच तेल डाल रही हूँ। तेल गर्म होने पर डालेंगे 1 चम्मच जीरा और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 कटा हुआ प्याज। अब प्याज को हम लोग ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट के लिए ही पकाएंगे, तब तक जब तक कि वो सॉफ्ट ना हो जाए। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, बस 2-3 मिनट के लिए ही पकाना है। जैसे ही प्याज थोड़े से सुनहरे हो जाएंगे, हम इसमें डालेंगे पेस्ट जो हमने तैयार किया था। अब मीडियम फ्लेम पर ही इस पेस्ट को हम लोग लगातार चलाते हुए पकाएंगे और तब तक पकाएंगे जब तक इसका ये जो पानी है, यानी कि ये जो टमाटर का पानी है, वो अच्छे से सूख नहीं जाता। इसमें भी लगभग 5 मिनट का समय लगता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। आप देख सकते हैं पानी सूख गया है। इस समय पर मैं डालूंगी स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच आमचूर पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला। इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और लगातार चलाते हुए 1 मिनट के लिए हम और पकाएंगे, ताकि मसाले भी अच्छे से पक जाएं। अब फ्लेम को इस समय मैं एकदम लो पर कर दूंगी और मैंने यहाँ पर रोटी ले ली है। ये बची हुई रोटी रखी हुई थी मेरे पास में। अब ये मसाला जो हमने तैयार किया है, ये थोड़ा थोड़ा सा उठाकर मैं रोटी पर इस तरीके से फैला दूंगी। इसके बाद मैं रोटी को इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी और पैन में ही रख दूंगी। इसी तरीके से मैं दूसरी रोटी भी ले लूंगी और ये जो मसाला है उस पर मैं इस तरीके से फैला दूंगी अच्छे से। अब पहले की ही तरह रोटी को फोल्ड करूंगी, पैन में रख दूंगी और बाकी की रोटियां भी मैं इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लूंगी। और इन्हें मैं एक बार पलट भी दूंगी, ताकि जो मसाला है वो दोनों तरफ अच्छे से लग जाए। याद रखिएगा, फ्लेम जो है वो इस समय एकदम लो पर है। सारी रोटियों को मैंने पलट दिया है। इस समय मैं अब 1/2 कप पानी इसमें डालूंगी। अब फ्लेम को मैं मीडियम पर कर दूंगी और ढक कर मैं इसे तब तक पकाऊंगी जब तक पानी सूख नहीं जाता। आप देखिए, रोटियां जो हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो गई हैं, पानी जो है वो एकदम सूख गया है और हमारा ये सेयल फुल्का, यानी कि चटपटा लहसुनी पराठा बनकर एकदम तैयार है। आप इसे इस तरीके से दही के साथ में इंजॉय कर सकते हैं, और दही के साथ अगर आप ना खाएं तो आप इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और उसके बाद जो बेल आइकन आएगा उसे भी ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।